प्रिय विद्यार्थियों, विषय संस्कृत के अंतर्गत मैं कल आपको समास के बारे में बात कर रहा था। समास में भी समास था अपना कौन सा, अव्यय भाव समास। अव्यय भाव समास में उपसर्ग नंबर कितने करा दिए मैंने, चार करा दिए। प्रति में मैंने एग्जाम्पल दे दिए। अच्छा, नेक्स्ट लिखिए, इसमें नेक्स्ट लिखेंगे निरुपसर्ग। निरुपसर्ग निरुपसर्ग लिखिए। अव्यय भाव समास में अव्यय भाव समास में निरुपसर्ग का प्रयोग निरुपसर्ग का प्रयोग निरुपसर्ग का प्रयोग अभाव के अर्थ में किया जाता है। अभाव के अर्थ में किया जाता है। किया जाता है। समास विग्रह करते समय समास विग्रह करते समय द्वितीय पद में द्वितीय पद में षष्ठी का एकवचन या बहुवचन लगाकर अभाव है। अभाव है शब्द जोड़ देते हैं। ठीक है ना, निरुपसर्ग है, चार उपसर्ग में करा चुका हूं, पांचवा उपसर्ग है निरुपसर्ग। अव्यय भाव समास में निरुपसर्ग का प्रयोग अभाव के अर्थ में होता है, और समास विग्रह करते समय द्वितीय पद जो होता है निर जिसमें लगा हुआ होता है, जिस है जिस शब्द में, उस शब्द में षष्ठी का एक वचन या बहुवचन लगा करके उसमें अभाव शब्द जोड़ दिया जाता है। यथा में देखेंगे, निर्जनम निर्जनम का अर्थ जब लेंगे हम, निर का मतलब अभाव, यानी जनमाने व्यक्ति, व्यक्तियों का अभाव, ठीक है ना, हो जाएगा समास विग्रह। जनानाम षष्ठी का बहुवचन, जनानाम अभाव है। निर्मक्षकम निर्मक्षकम इसके मायने क्या है, मक्खियों का अभाव, मायने मक्षकाणाम मक्षकाणाम अभाव है।
ठीक है ना। निर्वस्त्रम, क्या हो जाएगा? वस्त्राणाम अभाव है। कहने का मतलब है निरुपसर्ग लगा हुआ है तो उसमें षष्ठी का एक वचन या बहुवचन लगा करके उसका समास विग्रह कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, निरुपसर्ग के बाद उपसर्ग है यथा उपसर्ग। यथा उपसर्ग लिखिए, सेम पोजीशन में यथा उपसर्ग का किसमें? अव्ययी भाव में, अव्ययी भाव समास में उपसर्ग का प्रयोग केवल अव्ययी भाव समास है उसमें ही किया जाता, अन्य किसी में नहीं किया जाता है। अव्ययी भाव समास में निरुपसर्ग का प्रयोग नहीं, यथा यथा उपसर्ग का प्रयोग यथा उपसर्ग का प्रयोग अनतिक्रम में, संस्कृत शब्द है अनतिक्रम में और हिंदी में अर्थ है इसका अनुसार। अर्थ में किया जाता है किया जाता है। हिंदी में समास विग्रह करेंगे तो उसमें अनुसार लगाएंगे अपन, ठीक है ना। अच्छा, उपसर्ग का प्रयोग अनतिक्रम में अर्थ में किया जाता है। है ना, क्या कहा मैंने? यदि हमें इसका समास विग्रह हिंदी में करना है, भाई हिंदी में ही तो कर सकते हैं हम समास विग्रह। हिंदी में करेंगे तो हम अनुसार लगा देंगे अपन, ठीक है ना। जैसे उदाहरण एग्जाम्पल है यथा शक्ति, तो हिंदी में क्या लिख देंगे? शक्ति के अनुसार। और संस्कृत में लिखेंगे शक्तिम या द्वितीय लगाएंगे, वो बता रहा हूं मैं। अर्थ में किया जाता है समास विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय द्वितीय पद में द्वितीया विभक्ति का एक वचन लगाकर अनतिक्रम में शब्द जोड़ देते हैं। ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल लिखेंगे यथा शक्ति, यथा शक्ति हो जाएगा
शक्ति में, द्वितीया शक्तिम, शक्तिम अनतिक्रम में, दूसरा है यथा विधि, क्या हो जाएगा बताइए, विधिम, विधिम अनतिक्रम में, हाँ भाई, इसके अलावा जो पाठ्यक्रम हट चुका है, इसके अलावा में केवल अव्ययीभाव समास है और दूसरा है कोई, हाँ भाई हेमंत, ना है? केवल एक समास है हमारे पास कक्षा दसवीं के अंतर्गत, एक समास है जो सिलेबस के अंतर्गत है। कक्षा बारहवीं में क्या पोजीशन है? समास है ही नहीं है, कक्षा बारहवीं में से पूरा समास का चैप्टर हट गया है। अच्छा है, क्या कह रहा है, देख चेक कर जल्दी, चेक कर, लेकिन हमें वास्तव में हम विद्यार्थी दसवीं के हैं, वास्तव में विद्यार्थी बारहवीं के हैं, हमें नॉलेज सभी समास की होनी चाहिए, नहीं समझ में? हालांकि मैंने पहले आपको कराया होगा, नाइन्थ क्लास में पढ़े होंगे आप या बारहवीं वाले इलेवेंथ पढ़े होंगे, उनको मैंने कराया होगा। हाँ कौन सा है, है? एक सेकंड,